हेलो, डॉक्टर तरुण वाघेला फ्रॉम नवसारी गुजरात। काफी केस म्यूकोमाइकोसिस के बढ़ रहे हैं। हम जो नेजल ऑक्सीजन या किसी भी तरह का ऑक्सीजन एनआरबीएम से या किसी भी देते हैं, उसमें काफी एसेप्सिस नहीं मेंटेन हो पा रही है। तो हम एक एचएम फिल्टर जो आता है आपके, ये बैक्टीरियल फिल्टर भी आता है, वायरल फिल्टर भी आता है, इसे हम नेजल ऑक्सीजन देते हैं उसमें किस तरह अटैच कर सकते हैं वो बताएंगे। अब देखते हैं कि जिस तरह ये नेजल ट्यूब रहती है आपकी, उसमें कहीं जगह पे कनेक्शन आप लगा नहीं पाते हो, क्योंकि इसका दोनों का डायमीटर अलग अलग है। आप घर पे हैं और घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, या आप स्मॉल नर्सिंग होम है जहाँ कनेक्टर नहीं मिलते हैं, तो हम सिरिंज से कनेक्टर बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए दो सिरिंज, एक 5 ml का सिरिंज और एक 10 ml का सिरिंज को इस तरह से उसको कट कर देना है। दोनों को इस तरह से, जो 10 ml का सिरिंज है उसको नाइफ से कट कर लिया है और 5 ml का सिरिंज भी कट कर लिया है। ये आप इस तरह से एक तरफ फिट कर दीजिए इसको 10 ml वाला, और दूसरी तरफ थोड़ा सा लूज रहता है तो आप उसको एक सेलो टेप लगा के फिट कर सकते हो। और क्योंकि वो लूज है इसलिए आप सेलो टेप से उसको पट्टी लगा के फिट कर दीजिए। काफी फिट हो गया दोनों तरफ से। ये जो है वो अटैच नहीं हो पा रहा है ये कनेक्टर में। तो जो आपकी नेजल ट्यूब है, ये नेजल कैन्यूला है, इस तरह से हमने इसको बीच में से कट कर दिया। आप कहीं से भी कट कर सकते हो, एंड से भी कट कर सकते हो, आगे से भी कट कर सकते हो, जहां आप कंफर्टेबल फील करो वहां कट करके इसको ज्वाइंट कर दीजिए। अब यहां से नेजल ऑक्सीजन हम देते हैं तो ये फिल्टर के थ्रू स्टराइल एयर आपको मिलेगी। ये सेंट्रल वॉल यूनिट है, सेंट्रल यूनिट से ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप सिलेंडर के पास में जो ह्यूमिडिफायर होता है, वो ह्यूमिडिफायर ऐसा ही रहता है, यहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन के बदले सिलेंडर रहता है, या आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो आप उसमें इस तरह से ये अटैच करके इस फिल्टर को लगा दीजिए। फिल्टर को लगाने के बाद इसको डेली चेंज करना है, सिरिंज को भी आपको डेली चेंज करना है इतना आप, और ये नेजल कैन्यूला को भी आप डेली चेंज कर सकते हो अगर ज़्यादा प्रिकॉशन रखने हो, नहीं तो इसको आप अच्छे से साफ करके रीयूज भी कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल में हो और आपके पास कनेक्टर है, ये एक सिंपल कनेक्टर है जो एंडोटेकल ट्यूब में लगता है, वो आप एक ले लीजिए, उसको इस तरह से एक साइड में फिट कर दीजिए। दूसरी साइड पे ये एब्डोमिनल ड्रेन किट है, या ऐसा कनेक्टर काफ़ी मिलते हैं आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगा, वो आप लगा दीजिए। अब अगर आप इसको ट्यूब को जो हमने बीच में से काटा था वो काटना नहीं चाहते हो आप, तो आपको इस तरफ एक छेड़े पे आईवी सेट का जो येलो भाग रहता है, जो कनेक्टर रहता है जो पेशेंट के एंड में जाता है, उसको आप ले लीजिए, उसमें से आईवी सेट निकाल दीजिए और इस तरह से इसको इस पे चढ़ा दीजिए। अगर फिल्टर लगाना है आपको तो आप ये दो के बीच में फिल्टर आराम से लगा सकते हैं। आप कट नहीं करना चाहते तो इस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो आप ये इजीली इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। नया है इसलिए थोड़ा सा तकलीफ आता है, आप इस तरह से भी इसको फिल्टर को अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर को डेली चेंज करना है, ये याद रखना है।